हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगला वीडियो, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसमें नाइट्रोजन का लास्ट कंपाउंड आज अपन लेकर के आए हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जो भी जितने भी प्रकार के ऑक्साइड बनाता है सभी ऑक्साइड पढ़ेंगे। सभी ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनको सबको बनाने के मेथड्स क्या होंगे, उनकी सबकी संरचनाएं क्या होंगी, ये सभी आज के अपन वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का सबसे पहला ऑक्साइड होता है N2O। पहले मैं जितने भी ऑक्साइड है वो देखिए सारे लिखता हूं। दूसरा ऑक्साइड होता है NO। तीसरा होता है N2O3। फिर अगला नेक्स्ट है NO2। फिर नेक्स्ट है N2O4 और अगला है N2O5। इस तरह से कुल मिलाकर के नाइट्रोजन के अपने पास में छह ऑक्साइड है। छह ऑक्साइड अपने को नाइट्रोजन के पढ़ने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, लगभग सभी आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। देखिए, जैसे मैं यहां इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, तो दो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो चार ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -8, और इन सब का योग कितना होगा 0। यानी 2x बराबर हो गया 8, तो x बराबर हो गया 4। ये वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। एक और चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। देखो, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो दोनों नाइट्रोजन का हो गया 2x, ऑक्सीजन का होता है -2, तीनों ऑक्सीजन का हो गया -6, तो 2x बराबर हो गया 6 एंड x बराबर हो गया 3, प्लस का 3। इस तरह से आप जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, इसमें आएगा +2, इसमें आएगा +3, अभी निकाला था हमने इसका, इसका आएगा +4, इसका भी हमने अभी निकाला था +4 आया इसका भी, और इसका आएगा +5। ये नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर इनके सबके नाम देखिए, नाम क्या होंगे। सभी नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है सबके आप दो दो नाम लिखेंगे। एक तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर नाम लिख सकते हैं, जैसे इसका आप नाम बोल सकते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। इस तरह से नाम लिखना है नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा और आगे लिख देंगे ऑक्साइड। जैसे इसका नाम हो गया नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, दोनों के नाम नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड है, और ये हो जाएगा नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। तो एक तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर आप इनके सबके इस तरह से नाम बता सकते हैं। दूसरा नाम बता सकते हैं आप इनके फॉर्मूला के बेस पर, फॉर्मूला के आधार पर कैसे बता सकते हैं कितने ऑक्सीजन है। इस तरह से जैसे इसमें चार ऑक्सीजन है तो आप इसका नाम बता देंगे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। N2O4 का नाम आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसको आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये वाले जो दो हैं फर्स्ट और लास्ट, इनके नाम में अपन नाइट्रोजन की भी संख्या बताते हैं कितने नाइट्रोजन है। जैसे नाइट्रोजन दो है तो आप बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। इनमें हमने नहीं बोला था नाइट्रोजन के लिए, केवल ऑक्साइड बोला था टेट्राऑक्साइड डाइऑक्साइड इस तरह से। लेकिन जो फर्स्ट है इसका नाम बोले आप बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। दो नाइट्रोजन पांच ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये आप इस तरह से इनके सबके नाम बता सकते हैं आसानी से। तो ऑक्सीडेशन नंबर और नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अपन इनकी सामान्य प्रकृति, जो भी इनके नेचर नॉर्मली भौतिक गुण वगैरह है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके कलर देख लेते हैं कि कौन से का क्या कलर होगा। यहां पर आपको केवल दो ही कंपाउंड्स के कलर मिलेंगे। एक तो जो NO2 है इसका भूरा कलर होता है, ध्यान रखना NO2 भूरे रंग की गैस होती है, एक तो आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है बस थोड़ा सा। और इसके अलावा जो एक N2O3 है इसका कलर नीला होता है, ये नीले रंग का ठोस होता है।
बाकी सभी कलरलेस हैं, जो भी ठोस द्रव है सॉरी गैस है या ठोस अवस्था में है सारे कलरलेस होंगे। केवल दो के ही कलर है, आपको केवल दो ही कंपाउंड्स के कलर ध्यान में रखने हैं। फिर बात करते हैं इनकी भौतिक अवस्था की, कि कौन सा गैस है कौन सा ठोस है। द्रव अवस्था में कोई भी नहीं है, सभी या तो गैसीय अवस्था में या ठोसीय अवस्था में मिलेंगे आपको। अब देखिए कौन कौन सा ठोसीय अवस्था में है और कौन कौन सा गैसीय अवस्था में, ये चेक करते हैं। तो देखो इसको भी मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, गैसीय अवस्था में कौन कौन से और ठोस में कौन कौन से हैं। ऐसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिनमें कम से कम दो नाइट्रोजन और कम से कम दो ही ऑक्सीजन, कम से कम या दो से ज्यादा हो सकते हैं, वो तो होंगे ठोस। और अगर किसी ऑक्साइड में नाइट्रोजन एक ही है या नाइट्रोजन एक से ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है तो वो होंगे गैसीय अवस्था में। याद रखने का बिल्कुल से सीधा और आसान तरीका, ठोस अवस्था में केवल वे ही होंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा नाइट्रोजन के परमाणु है, दो या दो से ज्यादा ही ऑक्सीजन के परमाणु है, वो होंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में। जैसे फर्स्ट देखिए, नाइट्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही बच गया, यानी ये हो गया गैसीय अवस्था में जी। इसमें एक एक ही है दोनों, तो ये भी हो गया गैसीय स्टेट में। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खूब ज्यादा है तो ये होगा सॉलिड। यहां पर ऑक्सीजन तो ज्यादा है लेकिन नाइट्रोजन एक ही है इसलिए ये भी गैस। यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही पर्याप्त है सॉलिड, यहां पर भी दोनों ही पर्याप्त है सॉलिड। इस तरह से आप इनको गैस और ठोस अवस्था, ठोस कौन से गैस है और कौन से ठोस है, आप इजीली इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं इनकी प्रकृति की, कि इनमें से कौन कौन से अम्लीय है कौन कौन से उदासीन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ज्यादातर अम्लीय होते हैं लेकिन कुछ उदासीन भी है, तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा +1 या +2 वो तो उदासीन है, इसका +1 है इसका +2 है, दो तो उदासीन है, बाकी के सभी अम्लीय होंगे, ये दोनों उदासीन होंगे, ये इनके सबके भौतिक गुण हो गए। यानी ये रंगहीन उदासीन गैस होती है, ये भी रंगहीन उदासीन गैस है, ये नीले रंग का अम्लीय ठोस है, ये भूरे रंग की अम्लीय गैस है, ये रंगहीन अम्लीय ठोस है और ये भी रंगहीन अम्लीय ठोस। ये इनकी सामान्य प्रकृति, नॉर्मल इनकी नेचर हो गई। अब बचे इनकी बनाने की विधियां और इनकी सबकी संरचनाएं। तो चलिए पहले सबका एक एक का निर्माण कर लेते हैं, फिर इनको सबको बनाने की विधियां पढ़ लेते हैं और बाद में एक एक करके सबकी इनकी रासायनिक संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं N2, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं सबसे पहले। तो इसको बनाने का सीधा सा तरीका है अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन। अमोनियम नाइट्रेट, ये होगा अमोनियम नाइट्रेट, इसका तापीय अपघटन करना है, इसको गर्म कीजिए आप। जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसमें से H2O निकल जाएंगे टूटकर। तो आप ये देखिए इसमें से कितने H2O निकल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप इसमें से 2 H2O निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहां से H2O निकलने के बाद में देखो बचा क्या, हाइड्रोजन 4 निकल गए, ऑक्सीजन 2 निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा है और 2 ये नाइट्रोजन, यानी आपके पास में बच गए 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये N2O का निर्माण हो गया। N2O बनाने का तरीका, सबसे पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड आ गया समझे, दूसरा ऑक्साइड बनाते हैं पर NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसको बनाने का जो मेथड है ये थोड़ा सा देखिए लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन होगी। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी रिएक्शंस करानी है अपने को। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी और इनसे क्या बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ये Fe को, यहां पर जो FeSO4 है इसमें जो Fe है ये +2 अवस्था में, Fe +2 और SO4-2, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, Fe +2 को कन्वर्ट कर देगा Fe +3 में, Fe +2 का ऑक्सीकरण कर देगा। तो Fe +3 होने के बाद में इसका सूत्र देखिए क्या बनेगा, Fe +3 है और SO4-2 है, तो सूत्र ये होना चाहिए Fe की होल ट्वाइस और SO4 की होल थ्राइस।
Fe दो लेंगे, SO4 तीन लेंगे, तो फेरस सल्फेट है वो तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट। पहली रिएक्शन तो ये हो गई। H2SO4 के यहां पर अपन देखिए तीन मॉलिक्यूल लेंगे, इसमें बाद में मैं तीन लिखूंगा, पहले देखिए तीनों अलग अलग लिख रहा हूं, ये तीन मॉलिक्यूल लिए, तो यहां पर रिएक्शन क्या हुई है देखिए, Fe2 यानी संतुलित करने के लिए आपको FeSO4 दो लेने पड़ेंगे, दो FeSO4 थे और इसमें क्या हुआ H2SO4 का एक SO4 आकर के इसमें ऐड हो गया, पहले दो ही तो Fe थे, दो ही SO4 थे, अब दो Fe और SO4 तीन हो गए, यानी इसका एक SO4 आकर के जुड़ गया, ये यहां से आकर के इसमें जुड़ गया, तो वहां से मैंने इसको मिटा दिया, देख लीजिए। फिर दूसरा NaNO2, इसके क्या रिएक्शन होगी, इसकी भी H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है, यहां पर तो देखिए इसमें तो जुड़ता है केवल SO4 और NaNO2 में इसका जुड़ेगा HSO4, जो H2SO4 होता है इसका आयनन आप दो प्रकार से कर सकते हैं, इसमें दो H प्लस है तो आप दो H प्लस भी निकाल सकते हो और एक भी निकाल सकते हो, अगर एक H प्लस निकालोगे ना तब तो बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस, और दो H प्लस निकालोगे तब बनेगा दो H प्लस और SO4 माइनस। तो जब FeSO4 के साथ में H2SO4 की रिएक्शन हुई तो अपन ने इसके दो तो निकाले H प्लस और SO4 माइनस टू, तो SO4 माइनस टू को मैंने इधर जोड़ा था। अब की बार सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो इसका HSO4 माइनस आपको इधर जोड़ना है, ये दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, Fe के साथ में और सोडियम के साथ अलग अलग रिएक्शन होती है, तो यहां से SO4 काम में आ गया था। अब देखिए NaNO2 के भी मान लो दो ही अणु है, FeSO4 के भी दो अणु है, NaNO2 के भी दो हैं, H2SO4 के तीन हैं, तो आप करेंगे क्या, इन दोनों के HSO4 निकालेंगे, सोडियम धातु के साथ जुड़ेंगे, दोनों के HSO4 निकालना है और सोडियम धातु के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaHSO4, इस NO2 को तो उठा देंगे, उस दोनों के HSO4 जोड़ देंगे, तो यहां से HSO4 जोड़ने के बाद में अपने पास में केवल यहां क्या बचा, H बचा, तीन H2SO4 में से आपके पास में केवल चार हाइड्रोजन बचे हैं, इसके अलावा यहां पर बच गए हैं दो NO2, ये लीजिए ये बचा है, बाकी सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, दो तो NO2 बचे हैं, चार बचे हैं हाइड्रोजन, तो इनकी ओर रिएक्शन करवा देते हैं, देखते हैं इन दोनों से क्या बनता है। तो जो चार हाइड्रोजन है ये चारों हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन निकालेंगे, ये दो हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल करके बना लेंगे H2O, इन दोनों हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन निकाल लिया से, ये दोनों हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे एक और H2O, और इनमें से एक एक ऑक्सीजन निकल लेंगे, बाद में देखिए क्या बचा है NO, दो अणु बन गए किसके, NO के। ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने का तरीका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने का मेथड ये है, सीधा सा तरीका, सॉरी सीधा तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार अगर आप समझेंगे इसको तो इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा ऑक्साइड N2O3, इसको बनाने का एकदम से बिल्कुल सीधा सा तरीका है अपने पास में, NO प्लस NO2, दोनों कैसे होंगे एक साथ रिएक्शन होगी तो दोनों एक जगह जुड़ जाएंगे, बन जाएगा N2O3 बन जाएगा, इसको बनाने का ये सीधा सा तरीका है अपने पास, तो N2O3 का भी निर्माण होगा कंप्लीट। नेक्स्ट NO2 का निर्माण करते हैं, देखिए NO2 कैसे बनाएंगे, भूरे रंग की जो अम्लीय गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण होता है लेड नाइट्रेट के द्वारा, ये है लेड नाइट्रेट, और अपने को इसका तापीय अपघटन करना है, अपन इसको गर्म करेंगे, तो इसको गर्म करने से इसके तापीय अपघटन करने से देखिए क्या रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से टूट करके निकल बाकी का जो नाइट्रेट है वो निकल जाएगा, लेड ऑक्साइड बच जाएगा, मतलब पीबी के ऊपर देखिए दो NO3 जुड़े हुए, पीबी प्लस टू है, दो NO3 माइनस जुड़े हुए, जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये सारे टूट करके निकल जाएंगे, केवल एक ऑक्सीजन इसके पास में शेष बच जाएगा, एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा PbO, PB प्लस टू और O माइनस टू, सीधी सी रिएक्शन होती है, लेड नाइट्रेट को अपन ने गर्म किया तो टूट गया इसमें से, बाकी के जो थे वो सारे टूट करके निकल गए और अपने पास में केवल बच गया है
PbO। अब देखिए निकला क्या, PbNO3, ये था अपने पास, तो बाकी का टूट करके निकल गया, यहां पर तो केवल एक ऑक्सीजन बचा है, तो निकला क्या, एक तो देखो NO3 निकल गया, एक निकल गया NO2, इसका एक ऑक्सीजन यहां रह गया, ये निकल गया यहां पर, ये लीजिए ये रिएक्शन। ठीक ऐसा ही मान लीजिए अपने पास में एक दूसरा अणु और है, तो उसमें भी यही होगा, ये लीजिए दूसरा अणु और है तो NO2 गैस तो बढ़ गई, दो ये NO3 बनेंगे, लेकिन NO3 नाइट्रेट केवल आयन होता है, यौगिक नहीं होता है, तो ये जब दो NO3 बन जाएंगे तो इन दोनों में से एक एक ऑक्सीजन निकल करके एक O2 का अणु निकल जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी NO2 के अपने पास में अणु बन जाएंगे चार, 4NO2+O2, ये रिएक्शन है NO2 गैस बनाने का तरीका। इस तरह से अपन NO2 का निर्माण कर सकते हैं। NO2 के बाद में अगला होगा N2O4 बनाने का भी सीधा तरीका है, NO2 के दोनों को एक जगह जोड़ देंगे तो बन जाएगा N2O4, ये तरीका है सीधा सा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, NO2 से आप N2O4 बना सकते हैं, N2O4 से वापस NO2 बना सकते हैं, NO2 को जब ठंडा करेंगे तो N2O4 बनेगा, जब गर्म करेंगे तो वापस NO2 बन जाएगा, ये तरीका है इसका। नेक्स्ट एक और बचा है केवल N2O5, ये देखिए कैसे बनेगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा देंगे फास्फोरस के ऑक्साइड के साथ, जैसे ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ठीक वैसे ही फास्फोरस का ऑक्साइड होता है P2O5, लेकिन फास्फोरस वाले ऑक्साइड की एक विशेषता होती है कि इसके हमेशा दो अणु एक जगह जुड़े हुए पाए जाते हैं P4O10 के रूप में, तो फास्फोरस के ऑक्साइड का सूत्र अपन P2O5 ने लिख करके P4O10 लिखेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करानी है, सीधी सी रिएक्शन है नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस की जगह आएगा और फास्फोरस नाइट्रोजन की जगह, चार फास्फोरस है ना और चार ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चारों यहां जाएंगे फास्फोरस चारों यहां जाएंगे, तो फास्फोरस तो देखो यहां पर आने से बन जाएगा HPO3 प्लस, नाइट्रोजन इधर आएगा तो ये बन जाएगा N4O10, मतलब N2O5 के दोनों N2O5, ये N2O5 का निर्माण हो गया। ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने की विधियां, और अब अपन पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनकी संरचनाएं। सबसे पहला था N2O, देखो NNO, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोजक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर दान कर सकता है, इसके संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके आप दो प्रकार से बॉन्ड बना सकते हैं, दो संरचनाएं बनाएंगे अपन, देखो ये वाला नाइट्रोजन अगर पहले इसके साथ में बॉन्डिंग बनाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, दोनों को 3-3 बॉन्ड बनाने, और अगर पहले ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो डबल बॉन्ड, और फिर इसके साथ में केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, दो प्रकार की संरचनाएं बनेंगे। देखो अब ये वाला ऑक्सीजन इसका क्या करेंगे अपन, भाई दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन थे तो एक एक लोन पेयर बच गया ना, तो ये नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दान कर देगा, फिर ये एक संरचना तो ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर पहले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लिए तो अब एक लोन पेयर किसको दान कर दे, नाइट्रोजन को दान कर दे, ये दो प्रकार की संरचना इसकी संभव, अगर इसको दान कराए तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, N2O की आप इस तरह से संरचना बना सकते हैं। दूसरी संरचना अपने को बनाती है NO की, इसकी भी आप 2-3 संरचनाएं बना सकते हैं, एक नॉर्मल संरचना आप ये बना सकते हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, 6 में से 2 की साझेदारी कर ली, 4 बच गए, इसने 5 में से 2 की साझेदारी कर ली, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये संरचना बना सकते हैं। दूसरी ये बना सकते हैं कि इनके बीच में एक तो बॉन्ड बना दें, सहसंयोजी बॉन्ड बना दे, और अब ये एक लोन पेयर का दान कर दे, या तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कर दे या नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कर दे, तो दो संरचनाएं बनेंगी, अगर नाइट्रोजन दान करेगा तब तो ये बनेगी, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक की साझेदारी कर ली, बच्चे 4, एक लोन पेयर दान कर दिया, बच्चे 2, ऑक्सीजन ने 6 में से केवल एक की साझेदारी की है, यानी इसके पास बच गए 5, ये संरचना बनेगी।
या फिर ऑक्सीजन दान कर दे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन ने पांच में से केवल एक की साझेदारी की है, तो नाइट्रोजन के पास बच गए चार। ऑक्सीजन ने छह में से एक की तो की साझेदारी, बचे पांच, पांच में से एक लोन पेयर दान कर दिया, बचे कितने तीन, एक दो तीन। एनओ की तीन अनुनादी संरचनाएं हैं इस तरह से, एन टू ओ की ये दो अनुनादी संरचनाएं हैं, एनओ की ये तीन अनुनादी संरचनाएं। नेक्स्ट एन टू ओ थ्री, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन है, तो एक साइड में दो दो, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और बच गए, लेकिन बॉन्डिंग अभी सबकी कंप्लीट हो चुकी है, नाइट्रोजन के तीन तीन बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन के दो दो बन गए, तो एक बचे हुए ऑक्सीजन को नाइट्रोजन अपना लोन पे दान करेगा इस तरह से। और अनुनादी संरचना बनाएंगे तो आप इसका अपोजिट बना देना, लोन पे इसको दान कर देना, डबल बॉन्ड इधर बना देना, इस तरह से अनुनादी हो जाएगी। अब बाकी की जो अनुनादी संरचना है आपको इसी तरह से बनानी है, बस अपोजिट करना है, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर। नेक्स्ट चौथा है एन टू, सॉरी एनओ टू, एन ओ टू, नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन को एक लोन पेयर दान कर दिया, ये होता है एनओ टू की संरचना। अनुनादी संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड इधर कर देना, लोन पेयर का डोनेट उधर कर देना। पांचवा है एन टू ओ फोर, यहां पर अपन एक चीज और पढ़ेंगे, देखिए एन टू ओ फोर क्या है, एनओ टू के दो अणु जुड़े हुए हैं, इसके दो अणु जोड़ देंगे तो एन टू ओ फोर बन जाएगा। अब देखिए इसके दो अणु जुड़ते क्यों है, सबसे पहली बात तो ये भाई संरचना तो यही हो जाएगी, एनओ टू का दो अणु बना देना, ये एनओ टू का एक अणु और ये दूसरा अणु, दोनों को जोड़ देंगे तो एन टू ओ फोर बन जाएगा। लेकिन ये जुड़ते क्यों है ये देखिए, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच, पांच में से दो की साझेदारी कर ली, एक लोन पेयर दान कर दिया चार, बचा इलेक्ट्रॉन मात्र एक, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसको आप जांच कीजिए, इसका अष्टक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए एक दो तीन बॉन्ड बने हुए, तीन बॉन्ड का मतलब साझेदारी के छह इलेक्ट्रॉन है, छह और एक ये हो गया सात इलेक्ट्रॉन, भाई ये डोनेट कर रखा है तो साझेदारी में गिना जाएगा, तो तीन बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड में साझेदारी के छह इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ये सात इलेक्ट्रॉन है, सेम सात इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी एनओ टू का जो नाइट्रोजन है इसके संयोजी कोष में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं सात इलेक्ट्रॉन, और अष्टक अपूर्ण होने के कारण इसके दो अणु जुड़ते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। अब ये दोनों नाइट्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी कर ले तो अष्टक पूरा हो जाएगा, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए दोनों नाइट्रोजन के चार चार बॉन्ड बने हुए और चार बॉन्ड का मतलब साझेदारी में हो गए आठ इलेक्ट्रॉन, ये एन टू ओ फोर की संरचना हो गई। एनओ टू का दो अणु जोड़ देना, अनुनादी संरचना बनाओगे तो डबल बॉन्ड को इधर बना देना और उपसह संयोजी बॉन्ड को उधर बना देना, ये होती है एन टू ओ फोर की संरचना। और अगला होगा एन टू ओ फाइव, इसको भी आप इसी में समझ सकते हैं, एक ऑक्सीजन बढ़ाना है केवल, ये एन टू ओ फोर था, ये हो गया एन टू ओ फाइव, एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ये संरचना हो गई एन टू ओ फाइव की। अनुनादी संरचना में डबल बॉन्ड इधर आएगा, उपसह संयोजी बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसी के साथ में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे ये सारे कंप्लीट होते हैं, बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई हैं, सबकी संरचनाएं, सबकी ध्यान रखना अनुनादी संरचनाएं बनानी है सभी की, तो सभी की अनुनादी संरचनाएं भी कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ में अपना आज का जो टॉपिक था नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कंप्लीट होता है। वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।